हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नोत्तर का भाग नंबर 2। मतलब आज हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार के सवाल, जैसे हम कि भाग 1 में पढ़ चुके हैं, जो कि SSC में बार बार पूछे गए सवाल हैं। तो ये कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक, ऐसे सवाल बार बार पूछे गए हैं। देखते हैं सवालों कैसे करते हैं। कह रहा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने थे। मान लेते हैं, माना माना अधिकतम अंक यक्स है, अधिकतम यक्स अंक यक्स है। तो देखिए, यक्स का कितना परसेंट है? 35% है यक्स का। 35, देखिए, अगर वो 40 अंक पाया है, 30 अंक और पाया जाए तो कितने बराबर हो जाता है? 35% लिखे तो कर देंगे 40 प्लस 30। देखिए, 40 उसने प्राप्त किया है, 30 के कारण अनुत्तीर्ण हुआ। अगर 30 पा जाता तो उसका 35% हो जाता, इसलिए 40 प्लस 30 कर देंगे। देखिए, हो जाएगा 35 x/100 बराबर 70 के। तो यहाँ से चाहिए, आप इसको काट दे सकते हैं, 35 × 70, तो यक्स इक्वल हो जाएगा 200। देखिए, ये तो बेसिक था, अब हम ट्रिक जानते हैं। ट्रिक क्या है? देखिए, कह रहा 35%, हम 35% लिख लेते हैं। कह रहा 35% उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक प्राप्त किया उसने, 40 प्लस का 30, मतलब ये 40 और 30 जो कितने के बराबर है? 35 के बराबर है। मतलब 35% जो है, 35% जो है 70 के बराबर है। तो 1% हो जाएगा 70/35 के, 1% 2 के बराबर है। तो हमारा 100% जो हो जाएगा वो 200 के बराबर हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी सवाल को लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी, जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, देखते हैं सवाल। सवाल नंबर दूसरा देखिए, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक जो है 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए, हमने दो तरीका बताया, पहले तरीके देखते थे, उसके बाद दूसरा तरीका देखते हैं। माना परीक्षा में, परीक्षा के अधिकतम अंक यक्स, तो अधिकतम अंक जब यक्स है तो कितना है? यक्स का 40%, यक्स गुणे 40/100। ये कितने के बराबर? देखिए, 185 तो उसने प्राप्त किया है, 185 प्लस 15 की वजह से क्या हो गया है? अनुत्तीर्ण हो गया है। अगर वो 15 पाता तो 40% हो जाता, इसलिए 40% कितने बराबर हो जाएगा? 185 प्लस 15 के। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 2 x/5 इक्वल हो जाएगा ए 200 के। तो देखिए, यहाँ 2 से काट देंगे, हो जाएगा 100 के, तो यक्स इक्वल हो जाएगा 500 के। तो परीक्षा में, परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? 500। अब देखिए दूसरा तरीका जो आपको बताया जाएगा, जिसको आप ट्रिक कहते हैं। देखिए, 40%, 40% कितने के बराबर है? 185 प्लस 15 के, 40% 200 के बराबर है। तो 1% जो हो जाएगा वो 5 के बराबर हो जाएगा, तो 100% जो हो जाएगा 500 के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका था, या ट्रिक भी से कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सवाल देखिए। सवाल देखिए, सवाल बैंक PO में पूछा गया है। कह रहा, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया तथा वह 117 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है? देखिए, यहाँ डाटा लड़कों का दिया गया है और पूछा है लड़कियों का, तो यहाँ गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा है। और ये सवाल पूछा गया है बैंक PO में। देखिए, कह रहा, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35 और 40%, तो जो लड़कों की पास होने की प्रतिशतता वो 40% है। देखिए, 40% तो मान लेते हैं, माना
परीक्षा में अधिकतम अंक यक्ष है, अधिकतम अंक यक्ष है। देखिए यक्ष का 40%, एक लड़का कितना पाया है, 40% अगर पाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। 483 अंकों पाया है और किसने से उत्तीर्ण रहा, 117 से। मतलब 117 पा जाता तो कितने के बराबर हो जाता, 40 के बराबर। तो 117 ऐड कर देंगे, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 2x/5 इक्वल, इधर हो जाएगा 600 के, 600 के हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे, देखिए 2 से कट जाएगा, इधर हो जाएगा 300, तो x इक्वल हो जाएगा 1500। मतलब परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, 1500। अब देखिए लड़कियों की बात कर रहा है तो लड़कियों को पास होने के लिए कितना चाहिए, 35%। लड़कियों के उत्तीर्ण होने के लिए अंक कितना चाहिए, 1500 का 35%। पंद्रह पचे 75 के 5, 15 3 45, 45 7 52, 525। 525 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई। देखिए हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, देखिए कह रहा है 40% कितने के बराबर है, 600 के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 60/4 बराबर 15 के। तो 100% कितने को हो जाएगा, 1500 के। तो लड़कियों का प्रतिशतता अगर पूछा गया तो लड़कियों की प्रतिशतता कितनी है, 35%, 1500 का 35% / 100 काट देंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 525। देखिए इस प्रकार के सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल जानने के लिए या ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।